भगवत शिवा प्राप्ति कैसे होती है? ठाकुर जी से हमारे अनादिकाल का नित्य संबंध है। ये संबंध बहुत पहले जगाना है, ये बोध को हृदय में धारण करके फिर जाकर हमको भजन चेष्टा करना है। संबंध लैया हो जे तारी कृष्ण नहीं थे जे आर संबर या कारण ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध है, पहले था अभी है पीछे रहेगा, अखंड अविच्छेद संबंध, ये कोई बनावटी संबंध नहीं। लेकिन संसार से जो संबंध है यह बनावटी संबंध, यह आगंतुक है। हम जब जन्म नहीं लिए तब इससे हमारा कोई संबंध नहीं था, कौन हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, कौन कहाँ से आया है, कौन है हमारा, हम आए ही नहीं संसार में, तो संबंध कहाँ से होगा। फिर जब संसार में आए, जन्म लिए हैं, फिर जाके शरीर प्राप्त होने के बाद हमको संबंध बोध हुआ, ये हमारे मैया है, ये मैया ने परिचय करा दिए, तुम्हारे पिता है ये, फिर भाई, फिर कहाँ से एक परस्त्री के साथ संबंध करा दिया, उस हमने मान लिया हमारी स्त्री है, जानते नहीं है, फिर हमारे पुत्र कन्या कौन है, फिर नया आगंतुक के संबंध जुड़ता गया, पीछे चलता गया, और उसको हमने सत्य मान लिया। बस यही है, अब जो जो संबंध जोड़ता गया उसी को हमने अपना संबंध मान लिया, यही हमारा नित्य संबंध है, यही हमारे सबसे प्रियतम ऐसे मान करके उनके लिए हम समस्त जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके सुख सुविधा के लिए हम समस्त मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं, हमारे कोई संकोच नहीं, हम इसको सत्य मान लिए हैं। लेकिन है मिथ्या, देख भी रहे हैं मिथ्या, जब संसार में आए नहीं, हम जन्म नहीं लिए हैं, कहाँ था हमारे ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, कौन सा वस्तु तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा होगा, ये जो जमीन देख रहे हो तुम्हारे पहले कितना मालिक बन के चला गया है, हमारे जमीन ये मैं मालिक हूँ, वो चला गया, फिर दूसरा आ गया वो मालिक बन गया, फिर वो चला गया, अब हम मालिक बन रहे, ये मकान हमारा है, हम चले जाएंगे, फिर आया दूसरा कोई आ जाएगा वो मालिक बनेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। कितना मालिक बन के आता है जाता है, ऐसा संसार ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन ये हम देख करके भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। छोड़ना क्या है? छोड़ना माने वस्तु संसार को त्याग नहीं, छोड़ना माने मन से इसको सत्य मान लेना है, तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। मन से सत्य मान लो तो ये धोखा है, इससे हमारा संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान, ये सत्य मान लो, धारण कर लो, तो काम बन जाएगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे कहाँ, छोड़ के जाओगे कहाँ, अरे यहां से जाओगे कहीं ना कहीं, हम तो घर छोड़ के आए हैं, तो ये यहाँ के देखो भी वही मकान, वही घर संसार, वही सब कुछ, खाना पीना रहना, वही चावल दाल आटा मैदा सब चल रहा है, तो घर छोड़ के आए हैं, तो हमारा लाभ क्या हुआ, हम किस लिए घर छोड़ के आए हैं, यहाँ आकर के भी हमारा वही घर मकान दुकान से। बोले ना, फर्क बहुत है, पहले वो था अपने शरीर संबंधी वस्तु, जो हमारे प्रियजन के लिए, जिसको हम प्रिय मानते हैं उनके लिए ही हमको जीना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये बदल गया है, अभी जो भी है प्रभु का है, इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हमको कुछ लेना नहीं देना नहीं, जो भी कर रहे हैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए, हम जो कर्म करते हैं तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे कर्म के उद्देश्य, अपने लिए कोई लेना देना नहीं है। कल ही अगर हमको कहा जाए तुम ये जैसे आए हो भाई, ऐसे ही खाली हाथ यहाँ से तुम चले जाओ, हमको शायद हमसे खुशी कोई नहीं होगा, हमको ज्यादा खुशी होगी, बोले साला झंझट से बच गया, हुआ अभी दुनिया भर के संसारी जैसे आओ, भगत को ये करना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, ऐसा है करना है, ऐसा करना है, वो करना है, नाना प्रकार क्रियाकर्म, सभी जंगल में जाएंगे, एक लायक अंत में रहेंगे, बस आनंद से हरिभजन करेंगे, बस बस। तो छोड़ना है माने मन से, शरीर से नहीं, वही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ना नहीं है, लेकिन मन से जानना ये धोखा है, ये तुम्हारा था नहीं,
तुम्हारा रहेगा नहीं, तुम रख नहीं सकते, ऐसे जान करके तुम संसार में रहो तो कोई बंधन का कारण नहीं। तो ऐसे पहले मानना पड़ेगा, भजन पीछे पहले ऐसे स्वीकार कर लो मन से, जी शरीर भी धोखाबाज, ये भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर में मैं रह रहा हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जान करके शरीर से भी मोह हटाओ और ठाकुर जी में मन लगाओ। मन तो संबंध था हमारा, नित्य संबंध है, वो संबंध हमने भूल गया, तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया शुरू होती है जब जान गए हैं ठाकुर जी हमारा सब है, ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध, अखंड अविच्छेद संबंध, किसी भी अवस्था में वो संबंध का परिवर्तन होना संभव नहीं, किसी भी अवस्था में वो संबंध छूटना संबंध नहीं है। हम माने या ना माने कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम मानते नहीं है ठाकुर जी को, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संबंध का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो मानता नहीं वो अपने आप को वंचित करता है, वंचित होकर संसार चक्र में घूमता रहता है, और जो अपना मान लिया तो धीरे 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 संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। यह है बस, मानना, मानोगे तो तुम्हारा कल्याण है कल्याण, नहीं मानोगे तो अकल्याण है अकल्याण। संबंध उसका भी उतना ही है जो मानता है, और नहीं मानता उसका भी एक ही उतना ही संबंध, सभी उन्हीं का ही है। मम ही मांस जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सकती, अहम आत्मा गुरु के सर्वपुत्र शास्त्री, सबके भीतर मैं आत्मा रूप में मैं निवास कर रहा हूँ। तो मानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, एक मान्यता स्वीकृति ठाकुर जी। एक कैसे हो सकता है जो मानता है और जो नहीं मानता? मान लीजिए आपके साथ हमारा प्रेम के संबंध है और किसी के एक्स वाई जेड के साथ कोई प्रेम का संबंध है, तो एक कैसे हो सकता है दोनों? ठाकुर जी के साथ जो हमारा नित्य संबंध है ना, चेतन अमल से अविच्छेद अखंड संबंध, लेकिन माया के कारण हम शरीर शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के भगवान को भूल गए हैं, भुला दिया माया ने हमको। तो भुलाने से क्या होता है, भगवान से तो हम अलग नहीं हो गए हैं, हम तो उनके साथ ही है ना। तो एक बहिर्मुख जीवात्मा के साथ भगवान का जैसे संबंध है, एक उन्मुख जीवात्मा के साथ भगवान का उतना ही संबंध है। फर्क इतना है, बहिर्मुख जीवात्मा वो संसार चक्र में घूमता है दुखी होकर, अनंत दुख क्लेश को स्वीकार करके संसार चक्र में जन्म मृत्यु चक्र में पड़ करके घूमता रहता है, दुर्लभ मानव तन दे दिया फिर भी चेतन नहीं, फिर भी देहोदेही वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के बस यही भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, बस वो भ्रमण करता है संसार चक्र में। और जो वो स्वीकार कर लिया जी ना प्रभु चोर का हमारा कोई है नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य मन में इसको धारण करके सत्य मान करके भगवान के लिए हमको जीना है, तो तुम्हारा भजन तो बारह न हो जाएगा। मान लो भजन फिर कुछ अलग क्रियात्मक नहीं, जो क्रिया पूजा करना है, जप करना है, तप करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, क्रियात्मक नहीं, एक भावनात्मक। तो क्रिया किस लिए? क्रिया भावना में प्रवेश करने के लिए क्रिया, हमारे इंद्रिय वृत्ति, हमारा मन इंद्रियमुखी है ना, इंद्रियमुखी होने के कारण इंद्रियों के द्वारा जो भी करते हैं मन उसमें लिप्त हो जाता है। हारमोनी बजा रहे हैं तो मन हमारा हारमोनियम में रहता है, गा रहे हैं तो मन हमारा संगीत में रहता है, हम कहीं जा रहे हैं तो मन हमारा साथ साथ चलता है, मन ही तो करता है ना। तो हमारे इंद्रिय विषय जो हमारा मन उसमें तल्लीन होने का कारण, तन्मयता के कारण हम इंद्रियों के द्वारा जो भी करते हैं मन उसके साथ साथ चलता है, तो भगवान में हमारा मन लगता नहीं, तो इंद्रियों के लगाओ, लगाने का चेष्टा करो, तो इसके द्वारा हमारा मन भी थोड़ा भगवान में लगेगा। जब पूजा करते हैं, प्रभु का चरण चिंतन करते हैं, तुलसी दे रहे हैं इंद्रिय के द्वारा, लेकिन मन तो उसमें शामिल होता है ना, इसीलिए इंद्रिय क्रिया। जब मन भगवत चिंतन में तल्लीन हो जाता है तो बहिर्क्रिया जो इसका कुछ प्राधान्यता नहीं रहती है, बस तो फिर मन में मन ही मन में चलता है, आज वो प्रसंग में जाएंगे। तो पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर अनिश्चिता भजन, फिर निश्चिता भजन, फिर रुचि, स्टेज बाय स्टेज
रुचि दशा में साधक का भजन में रुचि होती है, हरि कीर्तन में रुचि होती है। अभी जो कर रहे हैं एक हाँ कर रहे हैं लेकिन उतना आनंद नहीं, उतना सरसता नहीं। लेकिन उस स्थिति में जब नाम जप करते हैं उसमें भी एक सरसता, नाम छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन पड़ जाता है। हर समय उठते बैठते खाते सोते भगवत नाम में एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक मधुरता, एक अद्भुत आस्वादन करना शुरू हो जाता है स्वाभाविक ही। फिर मन को लगाने का चेष्टा नहीं, मन छोड़ नहीं सकता है एक स्वाभाविक। ऐसे मन के साथ एक नाम का इतना सुंदर एक संपर्क हो जाता है, निबिड़ संपर्क हो, रुचि हो जाती है। वो रुचि दशा बहुत सुंदर दशा। रुचि दशा क्या है, जैसे मान लो रात्रि है, अब सवेरा होने वाला है, हम कैसे समझेंगे? नहीं, पूर्व दिशा में लाल हो जाता है, हल्का सा लाल आभा है। हम जानते नहीं है कितना समय हो गया, अब सवेरा होने का कितना समय है, लेकिन पूर्व दिशा देख करके जब देखते हैं पूर्व दिशा हल्का लाल आभा दिखता है, तो हम समझ जाते हैं आप हैं सवेरा होने वाला है, अब सूर्य उदय होने वाला है, अब अंधकार से हम निकल करके हम रोशनी में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जान जाते हैं, ये निर्देश है। ऐसा ही रुचि दशा में तुम्हारा ये लक्षण देखने में आएगा कि अब तुम चल रहे हो, मंजिल ज्यादा दूर है ही नहीं। रुचि दशा में पहुंच जाता है तो साधक मान लो वो स्वाभाविक उस समय भजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारा भजन करते हैं विवेक के द्वारा, नाना भजन करना चाहिए, सारा दिन तो ऐसे ही गया ऐसे गया, एक कर्तव्य ऐसे मान करके भजन, एक कर्तव्य मान करके हम भजन करते हैं। लेकिन मानव जीवन का अविच्छेद अखंड उद्देश्य ऐसा मान करके एवं एकदम सरसता के साथ भगवत भजन करना है, भजन बिना अच्छा ही नहीं लगता है। निद्रा भी उस समय उसके लिए बहुत कष्टदायक हो जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा निद्रा ज़्यादा आ गई तो उसको कष्ट होना शुरू हो जाता है। अरे हमारा इतना समय नष्ट हो गया, क्या जैसे तैसे हो बहुत जितना जल्दी से जल्दी उठ करके आसन में बैठ जाते हैं। आसन में बैठ गया तो शांति, हाँ आप जैसे शांति आ गई, इतना समय जैसे हम बहुत ही कष्टदायक हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो सो रहे थे हम। ऐसे रुचि दशा में ऐसे रुचि स्वाभाविक ही होगी। ये रुचि दशा बहुत सौभाग्य से होता है। फिर रुचि परिपक्व जब हो जाता है तब जाकर के आसक्ति दशा, कल आसक्ति दशा का वर्णन किया है। आसक्ति दशा में क्या होता है, जैसे मन हमारा स्वाभाविक बहिर्विषय में रहता है, देहोदयिक विषय में रहता है, संसार विषय में चिंतन करता है, विवश होकर भगवत चिंतन कभी कभी चेष्टा करके करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन मन लगता नहीं, दो मिनट लगा तो फिर मन छूट जाता है, दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ भाग जाता है। जो जो विषय में हमारा मन आकृष्ट है उस विषय में मन लग जाता है, उस विषय चिंतन करना शुरू कर देता है ना। लेकिन आसक्ति दशा में ऐसा नहीं, तद विपरीत स्वाभाविक भगवान में मन रहता है और संसार विषय चिंता करने के लिए मन को खींच करके लाना पड़ता है। ऐसा है स्वाभाविक हर समय उसके भगवान में आवेश, उठते हैं बैठते हैं खाना पीना छूट जाता है, निद्रा छूट जाती है, संसार विषय कर्म आदि नियम जो है हमारे विधि निषेध वो पालन करने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाता है, क्योंकि मन उसका भगवान में इतना तल्लीनता आ जाती है जी वो चेष्टा करके भी बहिर्विषय कर्म करने में असमर्थ हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये आसक्ति दशा, यह है साधन अवस्था का अंतिम दशा। माने हम इंद्रिय के द्वारा साधन करके जहां पहुंचेंगे वह है आसक्ति दशा। उसके बाद मन इतना तन्मय हो जाता है, तल्लीन हो जाता है भगवत चिंतन में, जो इंद्रियों के द्वारा कोई कर्म उसका होता नहीं, उसका नाम जप छूट जाता है, तिलक कंठी छूट जाता है, जप तप छूट जाता है। हर समय कहीं बैठा है तो हाँ राधे बोल के आंख बूंद के बैठ गया,
संध्या हो गया है, ख्याल नहीं, अभी सवेरा है ना संध्या है, ख्याल नहीं रहता, दिन रात बहुत नहीं, अद्भुत एक तन्मयता। इस स्थिति में कृष्ण प्रीति आत्यंतिकी, आत्यंतिकी माने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी वो मन हटेगा नहीं, भगवत चरण से मन हटना संभव नहीं है, कोशिश करने से भी वो मन को हटा नहीं सकता है, बहुत दुर्लभ स्थिति है। आसक्ति दशा का दो लक्षण है, क्लेश अग्नि शुभदा, और यह है भाव दशा। आज हमारा भाव दशा ना, भाव दशा का दो लक्षण है, क्लेश अग्नि शुभदा, क्लेश अग्नि शुभदा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। भाव दशा जो है ना, ये भाव दशा भक्ति का तीन अवस्था, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति, एक प्रेम भक्ति। साधन भक्ति दशा आसक्ति तक, उससे आगे चल करके जब परिपक्व दशा प्राप्त हो जाता है तो आता है भाव भक्ति। भाव भक्ति दशा में मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा माने ब्रह्मानंद जो है, मोक्ष प्राप्त होने से जो आनंद होता है, परब्रह्म के साथ मिलन से जो आनंद होता है, बोलता है वो भी तुच्छ हो जाता है उसके पास, इसका जो आनंद है वो आनंद उससे भी बढ़ करके आगे एक अतीन्द्रिय जगत का आनंद अव्यक्त, वो कभी भाषा का वहां प्रवेश नहीं, अनुभव वेद्य कृपा साध्य, एक ऐसे अद्भुत स्थिति है जहाँ साधक भगवत कृपा से ही वहां पहुंच सकते हैं। मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, बोलते ये भी मिलना सहज नहीं है, सुदुर्लभ, दुर्लभता तो एक बहुत बहुत कठिनाई के साथ मिलता है, लेकिन सुदुर्लभ वो भी मिलना बहुत कठिन है, सुदुर्लभ। ऐसे स्थिति में साधक उसका क्या दशा होती है, थोड़ा सा पागलपन हो जाता है, उस समय वो नियम टियम छोड़ करके कभी तो जंगल में बैठा रहता है, कभी रोता है, जम के रोता है, कभी तो हंसता है, हा 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 करके हंसता है, कभी तो भागता है इधर से उधर, कहीं भाग रहा है वो, हर समय वो कृष्ण की चित्त वृत्ति होने का कारण हर समय अखिल चेष्टा कृष्ण भावना में सोचते हैं, शायद अभी कृष्ण शायद गोवर्धन में गोचरण करने आए हैं, चलो गोवर्धन चलो, भाग रहे हैं पागल जैसे, धूप के अंदर पागल जैसे भाग रहे हैं, जाके वहां कुछ मिला नहीं, फिर वहां रो रहे हैं, बैठे 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 रो रहे हैं, कभी तो बैठे हैं तो कभी तो वंशी ध्वनि सुनने में आता है, ठाकुर जी कभी कृपा करके कुछ आश्वासन देते हैं, कभी तो पायल के झुमझुम झुमझुम आवाज सुनते हैं, और वो पागल हो जाता है, इधर उधर भागता है। ये बहुत अद्भुत स्थिति है, जिस स्थिति इस शरीर में प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, बहुत कृपा साध्य है। तो इस समय साधक के अंदर कई लक्षण, कई गुण विशेष देखने में आता है, खांति अव्यर्थ कालतंग विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति स्तद गुणखने प्रीति स्तद वर्ष स्तर। ये गुण जो है स्वाभाविक साधक पे देखने में आता है, जैसे खांति, खांति माने चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप ना होना, चित्त विक्षेप होना जरूरी है, माने ऐसा कोई घटना हो गया, कोई मर गया, घर में आग लग गया, कुछ हमारा कुछ नुकसान हो गया, चित्त विक्षेप होना चाहिए ना, होता है, स्वाभाविक होना चाहिए, बोलता है नहीं, चित्त विक्षेप होता नहीं है, उसका मन इतना शांत समाहित तो रहता है, भगवत चिंतन में इतना तल्लीनता रहती है जो वो शांत समाहित तो एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या गया, गया गया हमारा क्या गया, ऐसा भावना, एकांति, ये गुण साधारण में होना संभव नहीं है। कोई अप्रियजन मर गया
तो विक्षेप तो होना चाहिए। प्रिय जन मर गया उसका प्रिय कौन किसका है, शांत रहता है मन, समाहित रहता है, भगवत चिंतन से भगवत भावना से पलक के लिए भी थोड़ा समय के लिए भी अलग नहीं हो सकता है, होता ही नहीं। उसका मन बहिर्विषय में आकृष्ट होता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं, कोई विक्षेप होता ही नहीं, इसको कहते हैं खांति। अव्यर्थ काल उत्तम, एक पल एक क्षण भी भगवत चिंतन बिना भगवत नाम बिना व्यतीत नहीं होता है। अव्यर्थ काल उत्तम स्वाभाविक होता है। अभी जैसे हम लोग चेष्टा करते हैं छूट जाता है, फिर चेष्टा करते हैं फिर छूट जाता है, वहां उस समय ऐसा नहीं है, तो ही लो धरावत चलता रहेगा स्मरण चिंतन। विरक्ति, देह दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति अनाशक्ति आ जाती है, अच्छा लगता ही नहीं, देह दैहिक वस्तु समस्त विषय संपत्ति धन जन वित्त वैभव आदि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आदि ये कुछ अच्छा नहीं लगता है, सबके प्रति अनादर बुद्धि, कोई किसी का नहीं है जान करके कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण अनुभव नहीं करते, इसको कहते हैं विरक्ति। मान शून्यता, ये मान अपमान बोध, ये मान अपमान बोध अहंकार के कारण होता है, जिसके अंदर जितना अहंकार है उसका मान अपमान बोध उतना ही अधिक होता है, मान अपमान समज्ञानी हो जाता है, कोई सम्मान करता है उसमें उसका हर्ष नहीं, कोई अपमान करता है उसमें उसका संकोच नहीं, उसमें वो उसका कष्ट नहीं पाता है। खांति अप्रत्यवर्कलोकतम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध, ठाकुर जी हमको कृपा करेंगे ही, ये दृढ़ विश्वास दृढ़ निश्चय, इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं। अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हर समय ये उत्कंठा व्याकुलता करके साधक को चंचल करके रखता है, शांति से बैठा नहीं जाता है। शायद ठाकुर जी बाहर शायद बैठे होंगे, शायद चल प्रिया कुंड में जाए, वहां शायद कुंड के किनारे में अगर मिल जाए ठाकुर जी ऐसे। आशाबद्ध समुत्कंठा, आशाबद्ध ठाकुर जी कृपा करेंगे ही, करेंगे ही निश्चित, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया, इसी जन्म में ठाकुर जी हमको कृपा करेंगे। हमारे ये दृढ़ निश्चय है नहीं, हमारा तो कभी तो निराशा आ जाती है, शायद मिलेंगे नहीं, हम जैसे पापी को ठाकुर जी कैसे कृपा करेंगे, हमारा तो उतना भजन नहीं, सुकृति नहीं, हमारे वो संस्कार नहीं, निराशा छा जाती है। लेकिन उस स्थिति में नहीं, आशाबद्ध कृपा करेंगे ही। समुत्कंठ, साथ साथ एक उत्कंठ व्याकुलता, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, रात को थोड़ा सा भी सो जाते हैं फिर जग जाते हैं, आज मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, आज जरूर मिल जाएंगे, सारा दिन अनुसंधान, आज यहाँ आज वहाँ काल वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, उदासीन होकर के देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति उदासीन होकर के घूमते रहते हैं, ठाकुर जी का अनुसंधान करते हैं, आज नहीं मिला काल अवश्य मिलेंगे, आज के दिन तो गया काल अवश्य मिलेंगे, ऐसे समुत्कंठ। नाम गाने सदा रुचि, हरि गुणानुवाद में सदा रुचि, अखंड रुचि, अविच्छेद तैल धारावत रुचि, आशक्ति तद गुणाखने, कहीं थोड़ा दो भी शब्द कहते हैं तो कृष्ण गुणानुवाद भगवान की कथा कहते हैं, दो शब्द निकालते हैं तो और कोई शब्द निकालता ही नहीं। प्रीति स्तद बसति स्थले, प्रीति भगवान के बसति स्थल, भगवान कहाँ निवास करते हैं, वृंदावन अंग परित्यज्य पाद में कंग न गच्छति, वृंदावन धाम में भगवान, तो वृंदावन धाम में उनकी रुचि। भक्त हृदय भगवान के बसति स्थल, भक्त जहां रहते हैं भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो भक्त में उनकी आसक्ति। मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरी हरि कथा होती है, मेरी कथा होती है, वहां मैं अवश्य रहता हूँ। मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूँ, तो हरि कथा में आसक्ति, मैंने तीनों स्थान पर जुगपत उनका आसक्ति रहती है,
भक्त संघ में, हरि कथा में और वृंदावन धाम में प्रतिस्थल बसती स्थल ऐसे स्थिति आ जाती है जब भाव के दशा में साधक पहुंचता है। इस विषय कल और थोड़ा आलोचना करेंगे, रात हो गया है, ये लोग भैया लोग दूर जाएंगे। लीला जो स्फुरित होने लगती है ये कौन सी स्थिति? लीला तो तुम्हारा रुचि से ही थोड़ा शुरू हो जाता है, रुचि के बाद आसक्ति में तो लीला में ही उनका हर समय, जब भी ध्यान लगाते हैं मन को निविष्ट करते हैं तो लीला स्फूर्ति होती है। लीला तो एक स्वाभाविक अंतकरण वृत्ति हो जाती है उस समय, अरे भाव दशा में तो और ऊंची स्थिति हो जाती है।